वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी का एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लासिक फिजिक डिवीजन जो हुआ है शेरो क्लासिक भारत प्रो शो में, जो क्लासिक फिजिक डिवीजन हुआ उसके दो एथलीट्स का कंपेरिजन करेंगे हम। कुछ फोटोज़ वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, और जब मैंने देखा कि यार इस एथलीट का चैम्पियन के साथ काफ़ी अच्छा कंपेरिजन हो सकता है तो देखते हैं बना के, और वीडियो आखिर तक जरूर देखना, मज़ा तो आएगा। थोड़ा डिटेल पूर्वक बातें करेंगे, थोड़ा अपडेट से बाहर निकल के नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे अनब्रेकेबल आनंद यादव और रफ डीजल टेरेंस रफेन का एक तरह से कंपैरिजन वीडियो है ये, और देखेंगे कौन से बॉडी पार्ट्स किसके कैसे हैं, और इंडियन एथलीट्स के जेनेटिक्स किस लेवल पे है, अभी किस लेवल पे है आनंद की फिजिक, और क्या और लगेगा और कितना टाइम लगेगा उनको टेरेंस रफेन के लेवल पे आने के लिए, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या अंतर है, देखने में मज़ा तो आपको आएगा। अभी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अब भी लाइक करो, और शुरू करते हैं वीडियो। कंपैरिजन के मतलब पहले मैं बता दूं कि हमारे पास सारे पोजेस अवेलेबल नहीं है, बट जितने भी पोजेस है उन्हीं में हम काम चलाएंगे और देखेंगे कि किस एथलीट के पास क्या कमी है, क्या ज़्यादा है। तो वीडियो की शुरुआत में हम फार्मर फर्स्ट पोज लेते हैं, अब्डोमिनल विथ थाई मसल्स, और इस पोज में बेसिकली ओवरऑल बॉडी देखी जाती है फ्रंट की। ओवरऑल मतलब सिर्फ मिड सेक्शन या मेजर होता है, लैट्स का सेपरेशन और जो क्वाड्स मसल्स है, जो काफ्स मसल्स है फ्रंट में, उसी को देखा जाता है मेजरली। काफ़ी ज़्यादा डिटेल पूर्वक बात नहीं करूँगा इसके बारे में, बट बेसिकली यही होता है, मिड सेक्शन की तरफ देखा जाता है, वी टेपर कैसी आ रही है, एक्स फ्रेम कैसा आ रहा है एथलीट का उसको देखा जाता है। देख सकते हैं आप टेरेंस रफिन का ओवरऑल बॉडी का जो मसल मास है, स्पेशली लैट्स का मसल मास देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है, चेस्ट अच्छे लग रहे हैं, मिड सेक्शन ओवरऑल अच्छा लग रहा है, और जो उनके क्वाड्स मसल है उसमें डीप सेपरेशन आप देख सकते हैं। साइज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, आप कुछ नए बच्चे जो होंगे उनको लगेगा कि यार आनंद का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, आनंद की हाइट ज़्यादा है, बॉडी बड़ी है, तो क्या आनंद को ये पोज मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हाइट से यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि मसल हर बॉडी पार्ट जो बॉडी पार्ट होता है उसकी साइज़ उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, उसका बाकी बॉडी पार्ट से तालमेल बैठना चाहिए, जिसे कहते हैं हम सिमेट्री वैसी होनी चाहिए, पोशंस वैसे होने चाहिए, बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के लेवल पर लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पार्ट बड़ा है, एक बॉडी पार्ट छोटा है, और ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा छोटा से मतलब ये ज़्यादा डेवलप है, ये कम डेवलप है एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के मुकाबले, तो उसी से जजेस देखते हैं कि एक एथलीट कितना अच्छा मैच्योर है अपनी बॉडी को लेके, अपनी उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, उसी से माना जाता है कि अगर बॉडी पार्ट्स बेसिकली छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा डेवलप कोई कम डेवलप। ज़्यादा घुसने की कोशिश करूँगा इसमें मैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो इस पोज में टेरेंस रफिन काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क कितना है। नेक्स्ट पोज की बात करेंगे तो नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप में, बेसिकली साइड ट्राइसेप भी देखे जाते हैं, ओवरऑल बॉडी देखी जाती है जहाँ पे बेसिकली जो फ्लो है बॉडी का उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है ट्राइसेप के साथ। चेस्ट का कितना अच्छा पॉपअप, चेस्ट कितने अच्छे, शोल्डर्स और आर्म्स का सेपरेशन, मिड सेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी है, साथ ही जो क्वाड्स मसल है वो कितने अच्छे डेवलप है उसको ओवरऑल बॉडी में देखा जाता है। फ्रंट की लगभग 90% बॉडी देखी जाती है, पीछे का हाथ छोड़ दिया तो 90% बॉडी देखी जाती है साइड ट्राइसेप में। और इसमें ये जो फोटो है, ये फ़ोटो ही सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वायरल हो रहा है आनंद का रफिन के साथ, टेरेंस रफिन के साथ, क्योंकि ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है और अच्छा दिख भी रहा है, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, मतलब एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं। और आनंद ने इस पोज में इनको सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर दी है, और आनंद बेस्ट है साइड ट्राइसेप में इनके सामने। और सच कहूँ ये फ़ोटो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको ज़रूर बताना। यहाँ पर फ़र्क इतना है कि टेरेंस के हर एक बॉडी पार्ट में उतना ज़्यादा मास है, चेस्ट हो गए, शोल्डर्स हो गए, ट्राइसेप काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, ट्राइसेप थोड़े से ज़्यादा साइज़ वाले हैं आनंद के पास, और जो सेपरेशन है मिड सेक्शन का वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक लाइट टोन होने की वजह से जो स्टेज की लाइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है आनंद के ऊपर, और इस बात का उनको एडवांटेज मिल रहा है क्लियरली। और टेरेंस थोड़ी डार्क स्किन होने की वजह से उतनी ज़्यादा, और टैन भी डार्क होने की वजह से उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। आपका इसमें क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ये पोज मैं तो कहूँगा नहीं इसके बारे में ज़्यादा, आप ही इसको देखते रहो बस। इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया मुझे कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पोज की बात करेंगे तो आ रहा है चेस्ट। तो चेस्ट, साइड चेस्ट में बेसिकली मेन मेजर पार्ट होता है साइड चेस्ट, जो राइट साइड का चेस्ट है जो पॉप कर रहा है, जिसमें फाइबर्स आप देख सकते हैं दोनों के, वो मेन पार्ट होता है। साथ में साइड की पूरी बॉडी देखी जाती है, जैसे आर्म्स का एरिया हो गया, शोल्डर्स का, शोल्डर्स कितने ज़्यादा राउंडेड है, कितने बड़े हैं, किस तरह से सिमेट्रिकल है आर्म्स के साथ, चेस्ट के साथ। ऑब्लिक्स का भी एरिया देखा जाता है, साथ में फोर आर्म्स, आर्म्स के साथ कितने ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और नीचे लोअर बॉडी में हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स मसल्स कितने अच्छी डेफिनेशन, कितने अच्छे सिमेट्री, कितने अच्छी क्या कहते हैं उसको, कट कितने अच्छे है, कितना डेवलप है मसल, वो देखा जाता है। और साइड और नीचे काप्स का मसल भी देखा जाता है। ओवरऑल साइड की बॉडी देखी जाती है साइड चेस्ट में, इसीलिए उसको साइड चेस्ट पोज कहते हैं बेसिकली। तो इस पोज में आपको आनंद यादव के पास काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स बड़े लग रहे होंगे साइज में, और कोई भी एक नया बंदा जिसको बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान ज़्यादा नहीं है तो वो ज़रूर कहेगा कि यार साइज़ बड़ा तो एथलीट बड़ा, बट ऐसा नहीं है। उस एथलीट के बॉडी पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो भी उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिकली डेवलपमेंट ही, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कहूँगा मैं। तो यहाँ पे आनंद अरनॉल्ड के आर्म्स का साइज़ ज़्यादा है, बट वही मसल्स में मेच्योरिटी रफ डीजल के पास ज़्यादा है। शोल्डर्स का साइज़ अच्छा है आनंद का, बट आप देख सकते हैं तीनों हेड्स जो डेवलप है टेरेंस के, वो विजिबल है क्लियरली, फ़ोटो इतना अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है बट देख के समझ में आता है। चेस्ट आप देख सकते हैं आनंद के भी काफ़ी अच्छे हैं फाइबर से उनके, बट थोड़े से फ्लैट दिख रहे हैं, और वही टेरेंस के चेस्ट उनसे ज़्यादा लंबे नहीं है साइज़ में, जैसे कि ऊपर से नीचे तक, बट जो पॉप कर रहे हैं ना उनके चेस्ट, जो उनके चेस्ट में साइज़ है वो दिख रहा है, ऊपर से फाइबर्स भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है। और साथ ही मिड सेक्शन की बात करो, थोड़ी बहुत आती यहाँ पे ऑब्लिक्स के मसल देखे जाते हैं, सेरेटसस जो मसल होता है उसका नाम मैं ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करूँगा सीधा से, उसको भी देखा जाता है। तो यहाँ पे रफ डीजल का उतना फोटो क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, और बट साइड में फोटो क्वालिटी ऐसे होने के बाद भी आनंद का अच्छा लग रहा है, तो इसके पॉइंट्स आनंद को ज़रूर मिले होंगे। और लोअर बॉडी की बात करें तो ग्लूट्स का सेपरेशन, हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्स मसल का, इन तीनों पार्ट्स का जो सेपरेशन होता है, जो सिमेट्री होती है, जो क्वालिटी होती है मसल की, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के ही अच्छे डेवलप पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी, और टेरेंस के क्वाड्स में ज़्यादा मसल मास है, उनके हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी अच्छे से लटक रही है देख सकते हो आप, और जो ग्लूट्स है उनके काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड है, उसमें भी फाइबर्स आप विजिबल देख सकते हो। आनंद के पास भी काफ़ी अच्छे ग्लूट्स है बट उतना साइज़ उनके पास नहीं है, हैमस्ट्रिंग्स में भी उतना उनके पास साइज़ नहीं है, क्वाड्स में उनका थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, फाइबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट उतनी उस लेवल पर क्वालिटी नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पर पॉइंट तो रफ डीजल को ही मिले होंगे। सो ये पोज भी रफ डीजल आराम से जीत जाते हैं, बट आनंद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं रफ डीजल के सामने इस पोज में भी, तो मानना तो पड़ेगा आनंद भाई के लिए एक बार एक लाइक तो बनता है ज़रूर। नेक्स्ट पोज की बात करेंगे तो बैक डबल बाइसेप, क्लासिक फिजिक डिवीजन में बैक डबल बाइसेप वाला पोज काफ़ी ज़्यादा बिग माना जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ओवरऑल बॉडी देखी जाती है, मेन बैक ही देखी जाएगी, ट्रैप्स मसल, लोअर बैक, और क्या कहते हैं लैट्स, उसके बाद ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, शोल्डर की तीनों हेड, ट्रैप्स के बाद शोल्डर्स की तीनों हेड, उसके बाद आर्म्स में देखे जाएंगे ब्रैकेलिस मसल कितना ज़्यादा सेपरेटेड है बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में, और फोर आर्म्स में भी कितने अच्छे मसल्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बॉडी देखी जाती है इसमें, बात करूँ बैक की तो टेरेंस एरपेंट की जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा मसल मास है उनके पास, और ग्लूट्स तो उनके काफ़ी अच्छे हैं, वेल सेपरेटेड है, हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा कट के दिख रही है, और काफ्स मसल भी काफ़ी अच्छे हैं, और स्पेशली लैट्स की जो विड्थ है, लैट्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं दोनों एथलीट्स के बीच का ये जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप देख सकते हो। टेरेंस के जो लैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, वही आनंद के लैट्स है उतने ज़्यादा बड़े नहीं, बट आनंद यहाँ पे क्वालिटी मसल काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। टेरेंस की इतना अच्छा तो नहीं, बट एक अमेच्योर एथलीट आज ही प्रो बना और आज ही एक ओलंपियन के बाजू में खड़े होके अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात। तो आनंद भाई के पास ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनके बाइसेप और ब्रैकेलिस मसल ट्राइसेप के बीच में का सेपरेशन आप काफ़ी अच्छा विजिबल देख सकते हो, ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उनके लैट्स उतने ज़्यादा बड़े नहीं, और लोअर बॉडी में जो क्रिसमस ट्री आप देख सकते हो उसका भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा बाकी है, और यंग एथलीट है उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको चीज़ को डेवलप करने के लिए। इस लेवल पे आने के बाद हर एक इंच साइज़ बढ़ाना हर एक साल के बराबर होता है, तो उसको टाइम तो लगेगा, बट वेल डन आनंद, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उनके साथ। तो बात करें लोअर बॉडी की आनंद की, तो ग्लूट्स का सेपरेशन
ठीक है, उतना ज़्यादा अभी तक वेल डिफाइंड नहीं बने हैं, उतनी मसल क्वालिटी मेच्योरिटी अभी तक ग्लूट्स की नहीं आई है जो उनके क्वाड्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स के बीच कट के दिखे ग्लूट्स, उतना ज़्यादा अभी सेपरेशन नहीं है। बट अभी टाइम है, बोल तो सही वही बात है कि जो अभी टाइम उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने का टाइम है। वही आप देख सकते हैं टेरेंस का जो ओवरऑल लोअर बॉडी है उसमें आप देख सकते हैं हर एक बॉडी पार्ट का अपना स्पेशल हिस्सा है, अपनी स्पेशल जगह है और वो कट के दिख रहा है बाकी दूसरे पार्ट से। जैसे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में का गैप फ़र्क आप देख सकते हो कहाँ से वो बॉडी पार्ट खत्म होता है और कहाँ से बॉडी पार्ट वो स्टार्ट होता है। इसी को कहते हैं मसल मेच्योरिटी और वो टेनिस रफिन के पास है, इसीलिए तो जीते बेसिकली यही बात है। तो इस पोज को भी जीतते हैं टेनिस रफिन और टेनिस रफिन जीत जाते हैं शो को। और आनंद भाई का ओवरऑल बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और एक नया एथलीट इतनी ज़बरदस्त टक्कर देते हुए चैंपियन को, हालांकि टॉप फोर में आया आनंद और फर्स्ट आए टेरेंस रफिन, बट इन दोनों में आने वाली आगे कुछ कॉम्पिटिशन्स में टक्कर जब भी होगी तब मुझको याद आएगा ये कंपैरिजन और शायद आपको भी याद आए। वैसे आपको क्या लगता है आनंद भाई को कितना टाइम लगेगा इनको इस लेवल पे जाने के लिए और प्रो शो जीत के मिस्टर ओलंपिया में टेरेंस रफिन के साथ फिर से खड़ा होने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? आपके थॉट विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई इस कंपैरिजन में तो गलती ज़रूर बताना। और लैंग्वेज भैया ये देसी लैंग्वेज है हमारी, तो इसमें वीडियोज़ बनाने में मुझे मज़ा आता है। अगर पसंद आई हो तो बताना, नहीं आई हो तो बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके तो जरूर जाना भाई प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।